हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भगवान आपकी सारी विशेस पूरी करे। देखो आप, पिछली दिवाली और आज की दिवाली में देखो कितना डिफरेंस है। पिछली दिवाली आपने छोटे छोटे सेक्रीफाइस किए होंगे अपनी पढ़ाई को लेके कि हम पढ़ाई करेंगे, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आज देखो आप कितने अच्छे रिजल्ट पे हो, आप कितनी अच्छी कॉलेज में हो। जिसको अब जो भी कॉलेज मिली है ना, वो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। अब हमें इसी कॉलेज में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने करियर की शुरुआत करनी। तो पिछली वीडियोस में देखो मैंने वातपित कफ के बारे में बताया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये चाहते हैं कि मैं संस्कृत के लेक्चर स्टार्ट कर दूं। तो मैं आपको ना बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे अभी नहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि संस्कृत आपके लिए एकदम अचानक से बहुत नया सब्जेक्ट होगा। और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है आपके लिए ईजी चीज़ें जो होगी ना, जिससे आप आयुर्वेद को कनेक्ट कर पाओगे, जिससे आपको आयुर्वेद में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होना शुरू होगा, वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊं, ताकि आपको एकदम से ना सब्जेक्ट्स और आयुर्वेदा से थोड़ा सा ऐसे नहीं लगे कि यार क्या ले लिया, हम कहाँ आ गए, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत बाद में देखेंगे, पहले मैं सोच रही हूँ कि एनाटमी जो सब्जेक्ट है ना आपका, वो मैं स्टार्ट कर दूँ। आयुर्वेद और एलोपैथी मैं आपको थोड़ा सा सुपरफिशियली बता दूँ, ताकि आप उसको ईजिली पढ़ पाओ। अब ये सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करने का रीज़न मेरा ये है कि एक तो आपका आयुर्वेद में इंटरेस्ट बनेगा इस सब्जेक्ट से, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ना आप डाइसेक्शन करोगे ना, तो आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे। वैसे तो डाइसेक्शन में ना आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए होगी, जो भी आपको टीचर डाइसेक्ट कराएंगे ना, तो वो आपको बताते जाएंगे, ठीक है, आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, शायद बीडी चौरसिया से आपको पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी की बहुत मोटी मोटी किताबें हैं ये, लेकिन मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, बताने वाली हूँ चीज़ों को, ताकि कंसाइज कर पाओ, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है ना कि आप कवर नहीं कर पाओगे फिर एंड टाइम पे। इसलिए अभी तो चलो इनिशियल फेज़ है आपका, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि हाँ हम ये भी जाने वो भी जाने, क्योंकि बॉडी पार्ट्स को अगर हम पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट तो आता ही है ना कि हाँ हम हैंड की एनाटॉमी पढ़ ले, कौन सी मसल, कौन सी बोन, कौन सी नर्व कहाँ सप्लाई हो रही है, कौन सी स्ट्रक्चर है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए ना, तो YouTube पे और भर भर के वीडियोज़ है, तो आप वो देख सकते हो। बाकी मेरे वीडियोज़ में आपको आयुर्वेदा और एलोपैथी को मैं कंसाइज करके बताऊँगी, ताकि एग्ज़ाम में क्लियर कर पाओ। तो ये सारी बातें ना आपसे शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ना बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ जाता है कि दीदी अब ये ऐसे क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, हमें ऐसे क्यों नहीं पढ़ा रही। तो इसलिए सारी चीज़ें क्लियर करके चलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। तो पिछली वीडियोस में मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ, एनाटॉमी की जो आपकी बुक्स होगी वो दो रहेगी, रचना शारीर जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, रचना शारीर की बुक आएगी महेंद्र सिंह की, मैंने आपको रिकमेंड करी है, पार्ट वन और पार्ट टू, टू बुक्स होगी आपकी। उसके अलावा आप मॉडर्न को डेप्थ में पढ़ने के लिए बीडी चौरसिया बुक्स भी परचेज कर सकते हो। इसके तीन पार्ट होंगे, ठीक है, जो आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे, सच बताऊँ तो वो हम शुरू में जोश जोश में लेके आ जाते हैं, बाकी कभी उसे पढ़ नहीं पाते। इससे बेटर ऑप्शन तो ये है कि आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख के पढ़ लो, ओके। और एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम भी आपके दो होंगे, पार्ट वन का अलग एग्जाम लगेगा, पार्ट टू का अलग एग्जाम लगेगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमें आप पढ़ाई शुरू करनी है। और इसी के साथ शुरू करते हैं एनाटॉमी का सिलेबस, ओके। सबसे पहले आपको बेसिकली एनाटॉमी में क्या पढ़ना है, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एनाटॉमी को आयुर्वेद में रचना शरीर बोलते हैं, ओके, और फिजियोलॉजी को क्या बोलते हैं, क्रिया शरीर। ये दोनों ना बड़े कंफ्यूजिंग है, रचना शरीर, शरीर की रचना, एनाटॉमी वो पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। तो शरीर रचना या रचना शरीर की आपकी एक तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एनाटॉमी की आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ओके। उसके अलावा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी वो आपको देखनी है, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुक में समझ में नहीं आ रहा तो गूगल करके देख लेना, हम डेफिनेशन कहीं से भी, पर अच्छी सी डेफिनेशन हमें लिखनी है अगर एग्जाम में आती है तो, ठीक है। अब समझने वाली चीज ना यहाँ पर आएगी, एनाटॉमिकल पोजीशन, वो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ वो क्या होती है। सी, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजिशन, मतलब बॉडी को आपको बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट रखना है फेसिंग द ऑब्जर्वर, ओके, विद फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, आर्म्स एट साइड एंड पाम्स टर्न फॉरवर्ड, मतलब आपकी जो पाम है, हेड है, फेस और आईज सब ऑब्जर्वर की तरफ होना चाहिए। अब अपना राइट साइड वाली इमेज पे फोकस करिए कि लेटरल और मीडियल किसको बोलते हैं। लेटरल जो है ना आपकी एनाटॉमिकल पोजिशन में जो थंब की साइड चीजें होगी ना, उन सब चीज़ों को हम लेटरल बोलेंगे, और मीडियल जो है इसका अपोजिट साइड होगा, जो आपकी पिंकी फिंगर है ना उसकी तरफ, जो बॉडी की तरफ की जो स्ट्रक्चर्स होगी उसको हम मीडियल साइड में बोलेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रॉक्सिमल एंड होगा, डिस्टल एंड होगा, तो प्रॉक्सिमल जो बॉडी
की साइड है डिस्टल जो दूर है, वैसे ही हैंड में आप देखो कि प्रॉक्सिमल होगा और डिस्टल होगा। उसके अलावा सुपीरियर और इन्फीरियर आप इजीली समझ जाओगे, जो सुपीरियर स्ट्रक्चर होगी इन्फीरियर स्ट्रक्चर होगी, राइट और लेफ्ट आप समझ ही जाओगे। एक क्रेनियल और कॉडल पे भी देख लो आप, क्रेनियल ऊपर वाली जो चीज़ें होगी, जो क्रेनियल मतलब हमारी ब्रेन की साइड होगी, कॉडल मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड उधर की साइड होगी। उसके अलावा देखो एंटीरियर और वेंट्रल मतलब जो आपकी चेस्ट की साइड आगे की तरफ जो वेंट्रल पार्ट है उसकी तरफ जो स्ट्रक्चर्स होगी, डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर साइड यानी पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स होगी, ठीक है। ये जो कुछ टर्म्स मैंने बताई है ना, ये आपकी बोन्स और मसल्स में काम आएगी, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रक्चर को अगर डिनोट करेंगे ना तो ये टर्म्स वहां पर यूज होगी कि एंटीरियर टू दिस, वेंट्रल टू दिस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको फोकस करना है प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये आपको आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों ही आपको पता होने चाहिए, ठीक है, दोनों कोरिलेशन आपको पता होने चाहिए। आयुर्वेदिक मैं आपको बता देती हूँ और थोड़ा सा कंसाइज करके ही मैं आपको चीज़ों को बताऊंगी, ठीक है, बाकी डेप्थ में आप बुक से अच्छे से पढ़ लेना। को प्रिजर्व क्यों किया जाता है, ताकि हम उसकी इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकें। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि उसकी बॉडी जो हम प्रिजर्व करेंगे ना, उसकी डेथ जो है पॉइजन से नहीं होनी चाहिए, उसकी सारे बॉडी पार्ट्स होने चाहिए और वो बहुत टाइम से किसी भी डिजीज़ से मतलब कोई भी डिजीज़ उसको बहुत टाइम से नहीं होनी चाहिए। उसकी आयु जो है मतलब उसकी जो उम्र है वो 100 वर्ष से कम होनी चाहिए, और अगर इंटेस्टाइनल कोई भी फीकल मैटर हो ना तो वो सब साफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होगी तो हम बॉडी पार्ट्स को स्टडी कैसे करेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, बॉडी तो हम लेके आ गए, अब आपको मुंज, वलक्कल, कुश और शण इनमें से किसी एक वृक्ष की छाल से ना हमें बॉडी पार्ट्स को लपेटना है। अब क्या करेंगे, बॉडी को ना तेजी से न बहने वाली नदी मतलब जो धीरे बहती हो उस नदी में एक जो पिंजरा है ना उसमें बांध कर, इसमें देखो पिंजरा है और नदी भी है, वहां पर इस बॉडी को हम 7 दिन तक रखेंगे और हमें अंधेरे में रखनी है ताकि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ना हो, ठीक है। अब 7 दिन के बाद हमें इस बॉडी को बाहर निकालना है यहाँ से, और जो भी हमने वृक्ष की छाल से उसको आवरण किया था ना बॉडी को, वो सारी चीज़ें हमें हटा देनी है। और उसके बाद उशीर, बाल, वेणु, वलकल इनमें से किसी एक वृक्ष की छाल से तैयार की हुई कुर्च, कुर्च एक कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे धीरे धीरे ना खुरचते हुए मतलब घिसते हुए स्कार्पिंग करते हुए ना हमें इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना वो सिलेबस कॉपी से टिक करते जाओ या पढ़ते जाओ, ठीक है। सिलेबस कॉपी जो है मैंने आपको पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी बताया था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आपको शेयर कर रही हूँ जिससे सिलेबस कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में ना आप गर्भाव क्रांति करके चैप्टर है एमएस बुक में, ठीक है ना, महेंद्र सिंह को शॉर्ट फॉर्म एमएस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके गर्भाव क्रांति करके एक चैप्टर आएगा, वो आपने जो नीट के टाइम चीजें पढ़ी है ना वही है, जो हिंदी मीडियम से उनको थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा, और जो इंग्लिश मीडियम में है उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज इजी है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप अभी तक जितना मैंने आपको बताया हो वो समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर, ताकि मुझे पता चले कि हाँ अब मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, चीज़ों को थोड़ा और स्लो लेके चलना है या फिर सही है, ये भी ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर देना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।